पिज़्ज़ा सॉस के लिए हमने यहाँ लिए हैं रेड जूसी टमेटोज़, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम इसमें दो क्रॉस के निशान लगाएंगे सारे टमेटोज़ में और इनको ब्लांच करेंगे। तो गर्म पानी में मैं डाल रही हूँ टमाटर को और इसको एक मिनट तक हम बॉईल होने देंगे। अब एक मिनट बाद आप इसको इमिजिएटली निकालें और हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे आइस कोल्ड वाटर में। इससे टमेटोज़ को शॉक मिलता है और आप इसकी स्किन को बहुत इजीली रिमूव कर पाते हैं। तो यहाँ अब हम इन टमेटोज़ को रफली चॉप करेंगे। यहाँ सारे टमाटर को मैंने काट लिया है, इसको अब हम ग्राइंड करेंगे एक कोर्स टेक्सचर तक। बहुत फाइन भी नहीं करना, थोड़ा दरदरा हमें रखना है। तो आप देखें ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो एक कढ़ाई में अब आप डालें ऑयल और ऑयल गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन, उसी के साथ चिली फ्लेक्स, मिक्स्ड हर्ब्स या फिर ओरिगैनो और इसको अब हम भुनेंगे 2 से 3 मिनट तक मीडियम हीट पे। अब आप इसमें डालें बारीक कटे हुए प्याज और इसको भी 2 से 3 मिनट हम कुक करेंगे। अब आप इसमें डालें हमारे टमेटोज। अगर कुछ मोटे पीसेस रह गए हैं तो आप चिंता ना करें, आप जब उसे कुक करेंगे वो छोटे हो जाएंगे। तो इसको ढक के हमने अब पकाया है 10 से 12 मिनट। आप देखें इसका टेक्सचर सॉफ्ट है। अब आप इसमें डालें ब्लैक पेपर पाउडर, उसी के साथ सॉल्ट और थोड़ी सी चीनी। जी हाँ, चीनी हम डालते हैं पिज़्ज़ा सॉस में सारे फ्लेवर्स को बैलेंस करने के लिए। अब इसको फिर से हम पकाएंगे 3 से 4 मिनट। आप देखें इस पॉइंट पे जो टेक्सचर है ये बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें अब आप डालें टमेटो केचप। जी हाँ, इसको स्किप नहीं करें, ये फ्लेवर बहुत सारा ऐड करेगा। इसी के साथ मैं डाल रही हूँ कुछ बेजल के लीव्स और इसको फिर से हम पकाएंगे 2 से 3 मिनट। तो आपकी होममेड पिज़्ज़ा सॉस बनके तैयार है बिना किसी प्रिजर्वेटिव्स के। आप इसको ज़रूर बनाएं। मैंने पिज़्ज़ास भी बहुत सारे बनाए हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, आप ज़रूर चेक करें। अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे भी मैं बहुत सारी डिलिशियस रेसिपीज़ आपके लिए लगातार लाती रहूँगी।